जिस तरीके से ये घोड़ा आपको कहीं भी जाता है तो विजय दिलवा करके आता है जी, ये बात मालिक के लिए बहुत ही शोहरत की बात होती है जी, तो इसी तरीके से आप इस घोड़े को काफी मानते हैं। आज तक सिमी में फर्स्ट, फाइनल में फर्स्ट, सब फर्स्ट होते हैं जी, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाता है तो फर्स्ट ही करके आता है जी, तो काफी आपका लाडला और प्यारा होगा ये घोड़ा जी। जी जी जी, तो इसको क्या क्या खिलाते हैं मुखिया जी? अरे खाने में तो कोई कहेंगे तो पतियाएंगे कि नहीं पतियाएंगे? नहीं, आप बताइए अपनी। खाना में तो एक गाय के दूध पी जाता है जी, एक गाय का दूध खास इसको पिला देते हैं एकदम स्पेशल जी, और काजू बादाम किशमिश छुहाड़ा घीव ये सब का हलवा बनता है इसको जी, वो चीज़ खाता है, चना खाता है, जई खाता है, बाजरा खिलाया जाता है, यही सब खाना चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी बता रहे हैं कि मध पीता है, मध भी पिलाते हैं जी। जी जी, तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी बता रहे हैं कि इस घोड़े को काजू किशमिश घी और मध भी पिलाते हैं, और एक गाय का खास दूध जो है तो मुखिया जी इस घोड़े के लिए ही रखते हैं और पिलाते हैं। तो घोड़ा बेच देंगे तो पूरे बिहार बिका जाएगा, बिहार का नाच चला जाएगा जी, बिहार का नाच है, बिहार का नाच है जी। जी जी, हमारा घोड़ा तो है लेकिन बिहार का नाच है जी, बिहार का नाच चला जाएगा, बेच देंगे तो जी। तो होता है जो बिहार से आया है घोड़ा जी, यूपी में जाते हैं तो लोग कहते हैं जो बिहार से घोड़ा आया है, तो बिहार का नाच नहीं खत्म हो जाएगा जी कभी। बिहार से बाहर और कहाँ कहाँ इसको रेस लड़वा चुके हैं अभी तक? यूपी में जाते हैं जी लड़ने के लिए, यूपी में भी लड़ने जाता है, वहाँ भी विजय हो चुका है जी जी, राजा भैया के भी क्षेत्र में हम लोग जाकर लड़े हैं जी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के ब्रह्मपुर मेले के। अगर देखा जाए तो बिहार में सोनपुर मेला का बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला ब्रह्मपुर मेला ही लगता है। इसी मेले में हरेराम मुखिया जी का एक घोड़ा आया हुआ है जिस घोड़े का नाम है रॉकेट, और अगर इसकी चाल की बात की जाए तो बिल्कुल रॉकेट की तरह हवा में उड़ने वाली यह घोड़ा है। जिस तरीके से एक घोड़ा इनाम जीत करके देता है उसी तरीके से मुखिया जी भी इस घोड़े को काफ़ी दिलोजान से प्यार करते हैं। तो आइए मुखिया जी से। हम अभी मौजूद हैं ब्रह्मपुर मेले के अंतर्गत और मेरे साथ मुखिया जी मौजूद हैं। मुखिया जी, आप कितने वर्षों से मुखिया रहे हैं? 15 साल मुखिया रहे। 15 साल से लगातार मुखिया जी, जी। तो घोड़े रखने का शौक कब से है आपका? ये पुरानी शौक है, हमारे बाबा रखे हैं, बाबू जी रखे हैं, तो हम भी रखते हैं। खानदानी आपके पास घोड़ा जो है सब चला रहा है परंपरा जी, 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 जी। तो इस घोड़े का नाम क्या आप रखे हैं? रॉकेट। रॉकेट रखे हैं जी। तो जिस तरीके से आप इस घोड़े का नाम रॉकेट रखे हैं तो उसी तरीके से घोड़े कहीं ना कहीं रॉकेट की तरह उड़ने का भी काम करता है जी। जी जी जी। तो ये मुखिया जी, आप ये बताइए घोड़ा आपको अभी तक कितना इनाम जीत कर दिया है? 10-12 होले। 10-12 इनाम अभी तक दे चुका है। अच्छे अच्छे जी, छोटे छोटे रेस में नहीं जाता हूँ जी, बड़ा बड़ा रेस में 10-12 इनाम जीत कर दे चुका है अभी तक ये घोड़ा जी। और बाइक भी ये घोड़ा जीत करके दे चुका है आपको? दो ठो बाइक दिया है। दो बाइक दिया है। 400 LCD टीवी दिया है जी। LCD टीवी भी दे चुका है। 51,000 रुपया क्या भी इनाम जीता है। 51,000 रुपया की बात मुखिया जी बता रहे हैं कि बहुत बार जीत चुका है और इस बार भी ब्रह्मपुर मेले में इसको रेस जी जी बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में लेके आए गए हम ब्रह्मपुर लेने के लिए। तो इस बार क्या लगता है मुखिया जी, घोड़ा आपका टॉप कर पाएगा? क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ पे घोड़े आए हुए हैं जी। जी, ये तो हमारा दावा है जी, हमारा जीत है जी। जी जीत, जीत का दावा मुखिया जी देख लीजिए कर भी रहे हैं कि मेरा दावा है घोड़ा का जो कि जीत सकता है यहाँ पे। इस बार इनाम के तौर पर बुलेट रखा गया है। अब तो ये हम नहीं जानता हूँ ये बुलेट रखा गया कि नहीं है जी, ये तो यहाँ के जनता चाहे चेयरमैन साहब बता सकेंगे जी, ये बुलेट रखे हैं कि क्या रखे हैं। आपका घोड़ा कौन कौन सा बाइक जीत कर लाया है? हमारा एक पल्टीना लाया है, एक स्प्लेंडर, एक स्प्लेंडर बाइक और एक प्लेटिना बाइक जी। तो जिस तरीके से ये घोड़ा आपको कहीं भी जाता है तो विजय दिलवा करके आता है जी, ये बात मालिक के लिए बहुत ही शोहरत की बात होती है जी, तो इसी तरीके से आप इस घोड़े को काफी मानते हैं। आज तक सिमी में फर्स्ट, फाइनल में फर्स्ट जी, सब फर्स्ट होते हैं जी, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाता है तो फर्स्ट ही करके आता जी, है जी, 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 तो काफी आपका लाडला और प्यारा होगा ये घोड़ा जी। जी जी जी, तो इसको क्या क्या खिलाते हैं मुखिया जी? अरे खाने में तो कोई कहेंगे तो पतियाएंगे कि नहीं पतियाएंगे? नहीं, आप बताइए अपनी। खाना में तो एक गाय के दूध पी जाता है जी, एक गाय का दूध खास इसको पिला देते हैं एकदम स्पेशल जी, और काजू बादाम किशमिश छुहाड़ा घीव ये सब का हलवा बनता है इसको जी, वो चीज खाता है, चना खाता है, जई खाता है, बाजरा खिलाया जाता है, यही सब खाना चलता है।
तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी बता रहे हैं कि मध पीता है, मध भी पिलाते हैं जी जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी बता रहे हैं कि इस घोड़े को काजू किशमिश घी और मध भी पिलाते हैं, और एक गाय का खास दूध जो है तो मुखिया जी इस घोड़े के लिए ही रखते हैं और पिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घोड़ा जो है तो काफी नाम कर रहा है आपका मुखिया जी। जी 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 जी। तो इस घोड़े को अभी रखने का विचार है? हाँ, घोड़ा तो बेचना ही नहीं है, इसको बेचना नहीं है जी, जब तक रहेगा दरवाजे पे ही रहेगा जी, ये अंतिम संस्कार तक रहेगा दरवाजे पर। जी जी, मुखिया जी कह रहे हैं इस घोड़े का जब तक लास्टिंग होगा मेरे ही दरवाजे पे होगा, कहीं भी इस घोड़े को बेचने के लिए नहीं लाते हैं मुखिया जी, सिर्फ और सिर्फ शो के लिए मेले में लाते हैं ना मुखिया जी। जी जी जी, शो के तौर पे ही लाते हैं इस घोड़े को जी, जी सेल नहीं कर जी। यदि घोड़ा बेच देंगे तो पूरे बिहार बिका जाएगा, बिहार का नाच चला जाएगा जी, बिहार का नाच है, बिहार का नाच है जी जी जी। हमारा घोड़ा तो है लेकिन बिहार का नाच है जी, बिहार का नाच चला जाएगा बेच देंगे तो जी। जहाँ जाता है तो होता है जो बिहार से आया है घोड़ा जी, यूपी में जाते हैं तो लोग कहते हैं जो बिहार से घोड़ा आया है, तो बिहार का नाच नहीं खत्म हो जाएगा जी कभी। बिहार से बाहर और कहाँ कहाँ इसको रेस लड़वा चुके हैं अभी तक? यूपी में जाते हैं जी लड़ने के लिए, यूपी में भी लड़ने जाता है, वहाँ भी विजय हो चुका है जी जी, राजा भैया के भी क्षेत्र में हम लोग जाकर लड़े हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं रॉकेट घोड़े को देखने के लिए काफी सारे दर्शक लोग आए हुए हैं, इन लोगों को भी थोड़ा दिखाइए आप लोग, काफी सारे दर्शक लोग जो है देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी का जो रॉकेट घोड़ा है यही प्लेटिना बाइक को विजेता हुआ, जो कि जहानाबाद के रेस में प्लेटिना बाइक का विजेता बना है, और इस बार भी जहानाबाद के रेस में लेके जाएंगे घोड़े को जी 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 जी, जी जाएंगे। इस बार क्या इनाम रखा गया है वहाँ पे? वहाँ पर बुलेट रखा गया है, बुलेट रखा गया जी। तो इस बार क्या लगता है वहाँ भी टॉप करेगा आपका घोड़ा? एकदम एकदम, जब तक हम हमारा विश्वास हो जाता है मेरा घोड़ा के कोई जल्दी मारेगा नहीं जी। तो आप लोग देख सकते हैं मुखिया जी को खुद से ज़्यादा अपने घोड़े रॉकेट पे भरोसा है, और कहते हैं मुखिया जी जहाँ भी जाता है वहाँ पे नाम। तरीके के तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।